हाँ ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे इललेजिटिमेट चाइल्ड का। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इललेजिटिमेट चाइल्ड। इस कंडीशन में क्या होता है? हिंदू लॉ में आपको कुछ और होता है, बल्कि यहां पर सुन्नी में होता यह है कि फादर की तरफ से कोई शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन मदर और मदर के रिलेटिव जो उस पर्टिकुलर चिल्ड्रन के या चाइल्ड के बर्थ के टाइम में थे, उनके तरफ से शेयर मिलेगा, मदर प्लस इनके रिलेटिव। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। हाँ, इन केस ऑफ सुन्नी क्या होता है, फादर की तरफ से कोई भी शेयर नहीं मिलता है, जबकि मदर और उनके रिलेटिव की तरफ से शेयर मिलेगा, और वो भी उस रिलेटिव की तरफ से शेयर मिलेगा जो उस पर्टिकुलर चाइल्ड के बर्थ के टाइम में मौजूद थे। उन रिलेटिव के शेयर से इनको जो है शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी से। जबकि इन केस ऑफ सिया, ना तो फादर की तरफ से इस बच्चे को मिलेगा कोई शेयर, और ना ही मदर की तरफ से मिलेगा ये शेयर। क्लियर? ये चीज बहुत सिंपल था। नेक्स्ट हम लोग देखें, हाँ चलिए आगे आते हैं। अब आगे आते हैं, एक्सक्लूड किन्हें किया जाता है? आप हिंदू लॉ में पढ़े होंगे कि जो अपने फादर का मर्डर कर दिया, या फिर अपने कोपासर का मर्डर करता है, तो उसे एक्चुअली में जो है शेयर नहीं मिलता है, नहीं मिलता है ना। तो वैसे ही अब यहां पर सपोज ऐसा होता है कि ये आपका जो है प्रोपोजिटस है, सपोज इसका यहाँ पर एक ब्रदर है, ठीक है, और यहाँ एक सन है। तो प्रपोजिटस जैसे ही गुजरेगा, इसकी सारी संपत्ति किसके पास आ जाएगी? सन के पास आ जाएगी। तो ब्रदर क्या करता है, इसकी संपत्ति इसके पास आए, इस सन का आपको हत्या सपोज कर देता है, ताकि प्रॉपर्टी ब्रदर के पास आ जाए। तो आपने मर्डर कर दिया, तो मर्डर जो आपका हो सकता है दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट, इंटेंशनली, या आपने जानबूझ करके प्रॉपर्टी के लिए मार दिया उसे। दूसरा क्या हो सकता है, नेग्लिजेंटली, आप बाइक चला रहे थे, राइड कर रहे थे, इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि वो गुजर गया, आप बच गए, ठीक है। तो नेग्लिजेंटली आप जब होता है, तो अब सुन्नी में क्या होता है, चाहे आपने इंटेंशनली मारा हो, चाहे नेग्लिजेंटली मर्डर हुआ हो, दोनों में से किसी भी कंडीशन में इसमें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा उस पर्सन को जिसके द्वारा ये चीज हुआ है, उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। जबकि सिया में क्या होता है, जो इस पर्सन से नेग्लिजेंटली आपको हुआ है उसे छोड़ दिया जाता है, उसे प्रॉपर्टी दी जाती है, लेकिन जिसने इंटेंशनली मर्डर किया है उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो यहां तक क्लियर हो चुका है, अब हम लोग आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ ओके, जी, अब आते हैं जो लास्ट है, दैट इज इन द कंडीशन ऑफ स्टेप रिलेशंस। स्टेप रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि सपोज ये आपको जो है फादर है, इसकी दो वाइफ है, वाइफ नंबर वन और वाइफ नंबर टू। इस वाइफ नंबर वन से एक आपको सन है, दैट इज सन नंबर वन, और इस वाइफ नंबर टू से सन है, सन नंबर टू, ठीक है। तो अब क्या है, इस वाइफ के लिए ये आपका हो गया स्टेप सन, इस वाइफ के लिए S1 हो गया स्टेप सन, ठीक है। सपोज ये वाइफ गुजरती है, इसके हस्बैंड को शेयर मिलेगा ना, कितना मिलेगा शेयर? हाफ हाफ इवन बाई फोर हाफ मिल जाएगा, वन बाय वन बाई फोर फोर वन बाई फोर सन सन है, तो आपको जो है 1/4 मिल गया, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके पास पहुंच गया रेसिडुअरी, क्या इस सन को कुछ मिला? नहीं। इसका मतलब इसके गुजरने पर इसको कुछ नहीं मिलेगा। द सेम वे इस वाइफ के गुजरने पर इस सन को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि रेसिडुअरी आएगा इसके पास, ठीक है। दूसरी बात, अब सपोज अगर मान लीजिए ये S2 गुजर जाता है, तो इसके फादर और मदर दोनों जिंदा है, तो इन दोनों को मिल जाएगा रेसिडुअरी? नहीं, कहता नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या है, अगर S1 या S2 दोनों में से कोई भी गुजरता है, तो इनके स्टेप्स को जो है, स्टेप मदर्स को जो है कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इन आपस में शेयर होगा।
तो स्टेप चिल्ड्रन विल इनहेरिट इच अदर्स प्रॉपर्टी, वेयर एज जो स्टेप मदर है या मदर का स्टेप मदर का जो स्टेप सन जो है प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करेगा। ये फिगर क्लियर हो गया? एक बार इसको फिर से चलिए ठीक है। अब सपोज मान लीजिए एक मेल है, इसकी दो वाइफ है, वाइफ वन और वाइफ टू। वाइफ वन से एक सन है दैट इज एस वन, और वाइफ टू से जो है सन है एस टू, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर सपोज वाइफ गुजर रही है तो इसका प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगा, जिसमें हस्बैंड को शेयर मिलेगा, इसके सन को शेयर मिलेगा। हस्बैंड को कितना मिल जाएगा शेयर? 1/4, जबकि इस सन को क्या मिल जाएगा? रेसिडुअरी। इस कंडीशन में इस सन को इस वाइफ के गुजरने पर कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज सी इज स्टेप मदर ऑफ दिस सन, ठीक है। तो स्टेप मदर का प्रॉपर्टी जो है उसका स्टेप सन इनहेरिट नहीं करेगा, बिकॉज इसमें जो भी हो रहा है वो ब्लड के थ्रू हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो आया था वो क्या आया था, इन लोगों ने प्रेफरेंस दिया था किसे? ब्लड को। तो इस कंडीशन में S1 इज नॉट मतलब रिलेटेड टू W2 बाय ब्लड, है ना। तो इस वजह से W2 के गुजरने पर S1 को कुछ नहीं मिलेगा। अब आते हैं, जब यही चीज आपको W1 के गुजरने पे क्या होगा, S2 को कुछ नहीं मिलेगा बल्कि इसके हस्बैंड को प्रॉपर्टी मिलेगा और इसके सन को प्रॉपर्टी मिलेगा रेसिडुअली, ठीक है। लेकिन अगर S1 गुजरता है या S2 गुजरता है, उस कंडीशन में इसके माँ को तो मिलता है, इसके फादर को प्रॉपर्टी मिलेगा, सपोज जो भी प्रॉपर्टी होगा इसके प्रॉपर्टी का जो बंटवारा होगा, माँ को मिलेगा प्रॉपर्टी, फादर को मिलेगा प्रॉपर्टी, और साथ में जो है इसके स्टेप ब्रदर को मिलेगा, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू ब्लड, और वो ब्लड कहाँ से है? फादर से, ठीक है। ये दोनों जो है, दोनों में फादर का ब्लड है ना, दोनों ब्लड से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का प्रॉपर्टी आपस में शेयर होगा। बस आपको ब्लड रिलेशन याद रखना है कि W1 का ब्लड रिलेशन S2 के साथ बिल्कुल नहीं है तो प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा, आपस में शेयर नहीं हो रहा है। W2 का S1 के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई शेयर नहीं हो रहा है। S1 का W2 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसी कारण S1 के गुजरने पर W2 को कुछ नहीं मिलेगा, और S2 के गुजरने पर W1 को भी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन भले दोनों स्टेप ब्रदर है, मगर ब्रदर तो है, बिकॉज इनका कॉमन फादर है और ब्लड रिलेशन यहां से आया है, जिसके वजह से एक के गुजरने पे दूसरे को मिलेगा। तो मेन था वही जो इन्होंने डॉक्ट्रिन जो चलाया था पहले, जो हम लोगों ने देखा था कि कॉमरेड वाला जो डॉक्ट्रिन था उसे हटाकर इन्होंने ब्लड रिलेशन जो चालू किया था, ये आपको यहां दिख रहा है कि स्टेप रिलेशन में इस तरीके का चीज होगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक, तो इस प्रकार से आपका जो है ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब बस जो है हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे कुछ रूल्स की, जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसी के बेस पे आपको रूल होगा। इसमें शिया सुन्नी में कोई डिफरेंस नहीं ना? नहीं, इसमें स्टेप्स में जो है आपको शिया सुन्नी वाला डिफरेंस तो नहीं है, नहीं पता है मुझे एक्चुअली में, लेकिन जो स्टेप्स का रिलेशन है वो आपका इस तरीके का है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट। पहला रूल आपको ये है कि हम लोगों ने देखा इसमें कोई भी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी है वो क्या है? सेपरेट है, और इस सेपरेट प्रॉपर्टी में से केवल 1/3 ही आप गिफ्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, विल कर सकते हैं, जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं सेपरेट प्रॉपर्टी होने के बावजूद, ठीक है। जब ये कोपार्सनरी प्रॉपर्टी नहीं है तो नो राइट बाय बर्थ, कोई राइट नहीं है। दूसरी बात, सेम जो है फुटेज पे जो आपका मेल होगा उसको हमेशा फीमेल का क्या मिलेगा? डबल मिलेगा। और इसमें क्या है, जैसे हिंदू में आपको प्रिजम्पशन होता है, अगर सपोज दो भाई साथ में जा रहे हैं और एक ही टाइम में दोनों की मौत हो गई, टाइम नहीं पता चल पाया कि पहले कौन मरा बाद में कौन मरा, तो इसमें हम लोग प्रिज्यूम करते हैं जो बड़ा है वो पहले मर गया। बट इस वाले मुस्लिम लॉ में इस तरह का कोई प्रिजम्पशन नहीं होता है कि कौन पहले मरा, क्योंकि वहां पर जो पहले मरता है बाद वाला उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करता था हिंदू लॉ में, लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले मरने वाला कोई प्रिजम्पशन नहीं है। दूसरी बात, इसमें जो है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है डॉटर के सेंस में, जो हम लोग पहले देख चुके हैं,
कि इसमें जो है कोई भी ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, सेपरेट फैमिली का जो है आपका कॉन्सेप्ट है, और इसी कारण आपको सेपरेट प्रॉपर्टी का है, और हम लोग पहले देख चुके हैं सेपरेट प्रॉपर्टी होने के कारण यहाँ पर किसी का शेयर जो कहते हैं कि क्या फिक्स है या नहीं, ये बताइए। फिक्स्ड है। एग्जैक्टली, यहाँ पर फिक्स्ड है, और जिसका फिक्स नहीं है उसे आपको रेसिडुअली मिल रहा है, मगर मिल रहा है। यहाँ बाय बर्थ जो है हम लोगों ने पहले देख लिया कुछ भी आपको नहीं है। उसके बाद हिंदू लॉ में हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग फैमिली जो होती है वो ज्वाइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट को लेकर के आती है, ज्वाइंट फैमिली का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ पर ट्रेडिंग फैमिली का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर हमेशा जो है आपको ब्लड रिलेशन को जो है तरजीह आपको दिया जा रहा है, वरीयता आपको दिया जाता है। और हम लोगों ने क्या देखा कि जो वुमेन का जो हेयर होगा वो उसका ही ब्लड रिलेशन होगा, ना कि उसके हस्बैंड का ब्लड रिलेशन। जबकि हिंदू लॉ हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अगर वाइफ का जो प्रॉपर्टी है, वाइफ के गुजरने के बाद अगर सपोज उसका हस्बैंड भी गुजर गया है तो देवर आपको इनहेरिट करता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें यह है कि फीमेल की प्रॉपर्टी उसके ब्लड में ही जाएगा, चाहे वो ब्लड उसका भाई हो, ब्रदर हो, मदर हो, या सन हो, डॉटर हो, ठीक है, बल्कि हस्बैंड साइड में नहीं जाएगा एक्सेप्ट हस्बैंड। इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट जो है आपका स्पेस सेक्शनिस्ट का आपको कॉन्सेप्ट है। तो स्पेस सेक्शनिस्ट क्या होता है ये मालूम है ना आप लोगों को? स्पेस सेक्शनिस्ट क्या होता है ये बताइए मुझे। दोज हु आर नॉट बोर्न येट। नहीं नहीं, जो पैदा नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, देखिए जिस प्रॉपर्टी को फ्यूचर में इनहेरिट करने का चांस हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जिसको आपको सक्सीड करने का चांस हो। और चांस का मतलब क्या हो गया, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और सपोज मान लीजिए जो सन है वो अपने फादर के लाइफ टाइम में ही गुजर गया तो सक्सेस नहीं कर पाया, या फिर अगर मान लीजिए फादर ने पूरी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया तब भी आपको जो है क्या हुआ, सक्सेस जो है सक्सेशन आपको नहीं हो पाया, तो केवल दैट इज जस्ट अ मेयर चांस। तो स्पेस सक्सेस आपका हो गया कि आपका चांस है इनहेरिट करने का प्रॉपर्टी। सपोज अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, फादर है, ठीक है, इसका चार बेटा है, S1, S2, S3, S4, ठीक है। इस फादर ने क्या किया, इसके पास 10 करोड़ की संपत्ति है, इसने ये संपत्ति जो है अपने इस बेटा के जो है नाम में कर दिया था, इसे नॉमिनेट बना दिया था इस प्रॉपर्टी का। फादर इंटरस्टेट मर जाता है, अब आप लोग मुझे ये बताइए इस कंडीशन में ये 10 करोड़ किसके पास जाएगा? हेलो, नॉमिनेट कर दिया था। हाँ, नॉमिनेट प्रॉपर्टी में जो है नॉमिनेट कर दिया था कि भाई मेरे पास विल हो गई ना, तो विल के अकॉर्डिंग तो 1/3 ही कर सकता है ना विल, तो विल के अकॉर्डिंग 1/3 कर सकता है, नॉमिनेट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि उसे लगा होगा ये बेटा मेरा ज्यादा काबिल है, तो मैं आपको एक्चुअली गार्जियन बना रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बना रहा हूँ। और ये अब आपका जो है, आपकी ये ड्यूटी है कि हर किसी में आप बराबर बांटे। और इसी कारण आपका दो कॉन्सेप्ट है, पहला आपको है टेनेंट इन कॉमन और दूसरा है ज्वाइंट टेनेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो आप देखेंगे इनके इनहेरिटेंस में जो है टेनेंट इन कॉमन को फॉलो किया जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है इस S1 की प्रॉपर्टी इसका बच्चा इनहेरिट करेगा, ना कि दूसरा कोई ले लेगा या तीसरा कोई ले लेगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इनका आपको जो है हेयर जो होगा वो इनहेरिट करेगा, दैट इज ये क्या नाम है टेनेंट इन कॉमन आपका होता है, ठीक है। जबकि जो पहले कोपासनी प्रॉपर्टी होती थी, द नेचर वॉज ऑफ कोपासनी प्रॉपर्टी वॉज, जो पहले सर्वाइवरशिप जब था तो उस वक्त था ज्वाइंट टेनेंट आपको था कि अगर एक गुजर गया तो उसकी संपत्ति दूसरा जो लिविंग कोपासनर है वो आपको ले लिया करता था, ठीक है। तो मुस्लिम लॉ में आप देखेंगे टेनेंट इन कॉमन आपको आता है। इस प्रकार से हमारा जो है ये 20 अंक का समाप्त हो चुका है। अगर अब आप लोग चाहें तो हम लोग क्वेश्चन पे चल सकते हैं, ताकि एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं और आप लोग कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ जो आप लोगों ने किया वो आपका हो गया समाप्त। क्वेश्चन पे चला जाए? जी रोहित भाई, जी सर, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए यहां से हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आ गया, ये देखिए, कह रहा है जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस सी और सुन्नी। क्या जनरल रूल आप लोग बता दीजिएगा, जो आप लोग को रूल बताया गया कोपासनरी नहीं होता है, ये है वो है, डबल मिलता है शेयर, जितनी बातें अभी की गई है वो जनरल रूल कंप्लीट हो गया आपका?
ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेयर, ये आपका दो तरीके का आपका है, मतलब सॉरी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने क्या देखा था, हेयर का आपका तीन तरीके का आपको आता है शेयर के आधार पे। पहला हम लोगों ने क्या देखा था, शेयर था, दूसरा था रेसिडुअली था, तीसरा क्या था डिस्टेंट किंडर, ठीक है। उसके बाद आते हैं एंटाइटलमेंट ऑफ प्राइमरी हेयर, ये वही आपको जितने पहले ब्लड से जुड़े हुए हैं, चाहे ब्लड से पहला जुड़ा हुआ फादर हो, मदर हो, सन हो, डॉटर हो, ये फर्स्ट आपको जो जुड़ा हुआ है, ये सब आपको क्या हो गया प्राइमरी हेयर्स आपका हो गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग 2022 में जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, फेज वन फेज टू करके लिखा हुआ था, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग के पास ये क्वेश्चन पेपर है ना, तो चलिए उसी में से है, वहां से आप लोग ग्रुप में से आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, क्या कहता है, एक्स अ मुस्लिम डाइस, यहां वर्ड पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है मुस्लिम, मुस्लिम का मतलब क्या हो गया शिया और सुन्नी दोनों, सुन्नी प्लस शिया, ठीक है। तो जो भी हम बनाएंगे और इसको रिजॉल्व मतलब सॉल्व जो करेंगे क्वेश्चन को, दोनों के सेंस में करेंगे। तो क्या कह रहा है, अ मुस्लिम डाइज इंटरेस्टेड सर्वाइविंग ऑफ हिज पेरेंट्स एम एंड एफ, एक मुस्लिम गुजर गया है और इसके क्या है दो आपको सर्वाइवर हैं, कौन कौन, एक आपको हो गए फादर, दूसरे आपको हो गए मदर। अब कहता है अ ब्रदर, एक आपको जो है ब्रदर भी है, अ सिस्टर, एक इसकी जो है सिस्टर भी है, उसके बाद अ विडो, इसकी विडो हो गई, देन उसके बाद आपका हो गया सन एस वन एस टू एंड अ डॉटर डी, डॉटर डी एंड अ विडो ऑफ अ सन, ठीक है। तो एस थ्री डब्ल्यू आपको हो गया विडो ऑफ द सन, विडो ऑफ द सन एंड डॉटर ऑफ प्रीवियस सन्स एस थ्री डब्ल्यू, थ्री डब्ल्यू ये आपका हो गया, ये आपका एक सन भी है इसका और डॉटर भी है, एस थ्री डी है और आपका एस थ्री एस आपका है, ठीक है। जो ये पी जो है यही आपका एक्स है एक्चुअली में। अब कहता है एक्स लेफ्ट बिहाइंड द प्रॉपर्टी 50 करोड़, डिस्कस हु विल गेट द प्रॉपर्टी एंड व्हाट विल बी देयर शेयर। अब पहले आप लोग मुझे ये बताइए, फादर को शेयर मिलेगा, मिलेगा कितना मिलेगा, दो अलग अलग केस, हाँ तो हम दोनों पे आएंगे उसपे, मुस्लिम लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे चाइल्ड है, जो हम लोग का डिफ्रेंशिएट जो हुआ था शिया और सुन्नी में वो उस कंडीशन में हुआ था जब चाइल्ड नहीं था तब वहां रेसिडुअली मिल रहा था, लेकिन ये चाइल्ड अगर है तो एक्चुअली में सिया और सुन्नी दोनों के लिए आपका सेम चीज एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आप ये बताइए मदर को क्या मिलेगा इन केस ऑफ सुन्नी, पहले हम लोग चलते हैं, ठीक है, सिया में चलेंगे बाद में, सुन्नी मदर को कितना मिलेगा, पक्का 1/6 मिल जाएगा। आप लोगों ने फिगर पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ एक ब्रदर और एक सिस्टर है और कंडीशन क्या था, वन फुल ब्रदर, ठीक है। तो आप बताइए मदर को मिलेगा, नो। अब जिन्होंने कहा नो उन्होंने गलत कहा, क्योंकि जो आंसर था पहले का सही था, सही तो था, और नहीं होते तो वन मिलेगा, एग्जैक्टली। तो आप अपने आंसर पे अफर्म रहिए, ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या था, या तो बच्चे हो या एक भाई और एक बहन हो, कोई भी कंडीशन हो मदर को आपको 1/6 मिलेगा, तो इन दोनों का 1/6 1/6 ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब बताइए वाइफ को मिलेगा, हेलो तो फिक्स, हाँ, वाइफ को मिल जाएगा, हाँ फिक्स है, मिलेगा ही भाई, फिक्स है 1/8 आपको मिल गया फिक्स। अब बताइए क्या इस सिस्टर इस ब्रदर को मिलेगा,